दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। बिहार में लॉकडाउन के बीच अपराधी बेखौफ होकर आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। इसी बीच बड़ी खबर समस्तीपुर से आ रही है, जहां बेखौफ अपराधियों ने घर के समीप बैठे चाचा और भतीजे को गोली मार दी है। दो बाइक पर सवार 5 अपराध कर्मियों ने चाचा और भतीजे को गोली मार दी, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल चाचा और भतीजे को प्राथमिक उपचार के बाद PMCH रेफर किया गया है। घटना समस्तीपुर जिले के हलई ओपी के तिसवारा गांव की है और घायल की पहचान तिसवारा गांव निवासी सुधीर कुमार ठाकुर के पुत्र नीतीश रंजन उर्फ छोटू और इसके चाचा मुकुल कुमार ठाकुर के रूप में की गई है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि मोरवा के तिसवारा गांव में सुधीर कुमार ठाकुर के पुत्र छोटू कुमार व उनके चाचा मुकुल कुमार ठाकुर अपने दरवाजे पर बैठकर बात कर रहे थे। इसी बीच दो बाइक पर सवार बदमाशों ने भतीजे पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। भतीजे पर गोली चलते देखकर चाचा बीच बचाव करने पहुंचे, उसके बाद बदमाशों ने उन पर भी ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए एवं अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। वहीं स्थानीय लोगों एवं पुलिस प्रशासन की मदद से गंभीर हालात में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से पटना PMCH रेफर किया गया है। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।